दोस्तों, यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट के मैटर में फाइनल ईयर के छात्रों के लिए एक काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अलख आलोक श्रीवास्तव, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका ट्विटर अकाउंट का एक पोस्ट है जो आप देख सकते हैं। एक अच्छी अपडेट ये आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि इनके द्वारा डाली गई थी सभी छात्रों की तरफ से, और अब इसकी हियरिंग भी 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ी अपडेट है अभी के लिए। जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हैं, माय पेटिशन अगेंस्ट यूजीसी फाइनल एग्जाम डिसीजन हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टुडे। ये कल का पोस्ट है, अभी से 21 घंटे पुराना, यानी कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये अर्जेंट मैटर है और इसमें थोड़ी जल्दी हियरिंग की उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है। फर्स्ट हियरिंग जो होगी वो इसकी 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, इस पोस्ट में उन्होंने ये मेंशन किया है। अब चूंकि ये पोस्ट 24 घंटे लगभग पुराना हो चुका है, तो आप मान सकते हैं कि आज या फिर कल को इसकी हियरिंग पॉजिटिवली स्टार्ट हो जाएगी। इसी ट्वीट में आप चौथी लाइन देख सकते हैं, यूजीसी हैज़ फाइल्ड वकालतनामा इन माय पिटीशन, यानी कि यूजीसी की तरफ से वकालतनामा भी जारी कर दिया गया है इस पिटीशन में, जो कि एक मेमोरेंडम होता है यूजीसी की तरफ से। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि यूजीसी की तरफ से इसमें फाइल किया गया है। इसका मतलब यही है कि अब 1 से 2 दिन में दोनों ही पक्ष इसके लिए आपस में बहस शुरू कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये बहस शुरू हो जाएगी। अलख आलोक जी की तरफ से बताया गया है कि 13 राज्यों के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि उनसे संपर्क किया है और उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। तो आप ये मान सकते हैं कि 13 राज्यों का ये केस है लगभग, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा एक अपडेट इसमें AKTU के छात्रों के लिए भी है, उत्तर प्रदेश के। एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव शाही जी, जो इन्हीं के साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलख आलोक जी के साथ इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, उनके पास AKTU के छात्रों द्वारा भी मैसेज किया गया है, जिसके बाद उनका रिप्लाई भी आया है। उन्होंने पूछा है कि ये किस स्टेट के बच्चे हैं जो कि ये प्रॉब्लम रख रहे हैं कि एक ही दिन में 3 पेपर AKTU की तरफ से ऑफलाइन मोड से रख दिए गए हैं। तो इस बारे में बच्चों ने भी फिर वापस रिप्लाई करके बताया है कि ये उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका नाम है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि आगे इस पूरे मैटर में क्या होता है। हालांकि जो एडवोकेट हैं उन्होंने बताया है कि इस बारे में कोई भी नई अपडेट होगी तो वो ज़रूर सबके सामने रखेंगे, और हम इस पूरे मैटर पर नज़र बनाए हुए हैं दोस्तों। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर सूचित करेंगे।